अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और घर में भी सब ठीक है। और जी, आज बकरा ईद की तैयारी होने चली है और मैं शॉपिंग पे गई थी आज मेट्रो, और मेट्रो से मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। और क्या क्या चीज़ें ली हैं वो तो मैं दूसरे व्लॉग में दिखाऊंगी आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर। लेकिन ये है कि जो मैंने कुछ क्लिप्स लिए हैं अपनी शॉपिंग की और रास्ते की, और मैंने क्या क्या वहाँ पर चीज़ें मिल रही थी और कितने रेंज में मिल रही थी, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताती चलूँगी। तो चलिए जी, मेट्रो चलते हैं साथ मिलकर। और हमारे घर से थोड़ी देर की ड्राइव पर ही है मेट्रो, और तकरीबन हम 15 to 20 मिनट्स में मेट्रो पहुंच चुके थे। उसके बाद हमने की थी शॉपिंग। साथ में मेरे दोनों बेटे थे और मेरे मियाँ जी, क्योंकि मैं बच्चों को छोड़कर जा रही थी हीरा आपी के घर, लेकिन इन्होंने कहा कि चलें बच्चों को भी लेकर चलते हैं दीबा। मैंने कहा चलें फिर संभालते चलिएगा, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा तंग करते हैं और शॉपिंग सही से हो नहीं पाती है। तो यहाँ सबसे पहले हम जब इंटर हुए थे, तो इंटर होने के साथ ही हमने अप्लायंसेस देखे थे, जो कि मुझे मेरे किचन के गैजेट्स भी थे। तो मुझे यहाँ पर से मशीन लेनी थी, मेन में जूसर मशीन लेने के लिए आई थी, और चॉपर वगैरह ये सब देखने के लिए आई थी कि कितने रेंज में मिल रहे हैं और कौन सी कंपनी है यहाँ पर। खैर यहाँ पर तो सारे ब्रांड्स बैठे हुए हैं, डॉलन्स है और हायर है, और भी बहुत सारी मतलब जैसे कंपनीज़ हैं तरह तरह की, मतलब अलग अलग, मतलब और सारी हाई फाई कंपनी है, मतलब कोई भी ऐसी कोई लोकल ब्रांड यहाँ पर नहीं है। तो बकरीद के हवाले से यहाँ पर ना काफ़ी अच्छी चीज़ें आई हुई थी। चॉपर वगैरह ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में था, लेकिन ज़्यादातर जो फूड फैक्ट्री में लेना चाह रही थी, जिसमें चॉपर है, जिसमें जूसर मशीन है, जिसमें जूसर मशीन है, सारी चीज़ें एक में ही आ जाती हैं तो मेरे लिए आसानी हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे एक फ़ूड फैक्ट्री पसंद आई भी थी तो जिसमें, लेकिन ना उसका चॉपर था, लेकिन वो चॉपर था वेजिटेबल चॉपर, जो कि मुझे वेजिटेबल चॉपर चाहिए नहीं था, मुझे मीट चॉपर चाहिए था। और उसकी वजह से हमने काफ़ी डिस्कशन की इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पे तरह तरह की मशीनें, मिक्सर है, हैंड ब्लेंडर है और जूसर है, बहुत सारी चीज़ें, जो बहुत सारी मशीनें अलग अलग कंपनीज़ की यहाँ पे लगी हुई थी। और एक तो ये सिर्फ चॉपर था और इसका ये जग था, और ये कितने का था मैं आपको बता दी चलूँ, ये था 39,000, और इतना महंगा था ये, 40,000 के बंदा एक ये मशीन लेगा सिर्फ चॉपर। तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी एक मुझे आगे चल के मशीन पसंद आई थी, वो मुझे अच्छी लगी थी बहुत ज़्यादा, और ब्लैक कलर था, लेकिन उसमें यही मसला था कि वो उसमें जूसर था, उसमें हैंड मिक्सर था, सब कुछ था उसमें, लेकिन उसमें चॉपर नहीं था। तो यही हो रहा था कि किसी में चॉपर मिल रहा है, किसी में नहीं मिल रहा है, किसी में वेजिटेबल चॉपर मिल रहा है। ये कैम्ब्रिज का पसंद आया था, हमने इस डब्बे को मतलब घुमा फिरा के अच्छे से देखा था, लेकिन इसमें भी चॉपर का सिस्टम नहीं था। तो बैड लक, खैर मुझे नहीं मिल सका था। मैं पूरी फूड फैक्ट्री लेना चाह रही थी, लेकिन मुझे चॉपर नहीं मिला था, जिसकी वजह से यहाँ से मैं आउट हो गई थी। मैंने कहा नहीं, चलते हैं कहीं और चेकआउट कर लेते हैं। तो उसके बाद हमने फिर, मैंने कहा आए हैं तो थोड़ी सी ग्रॉसरी भी कर लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें तो मेरी आ चुकी थी बकरीद के हवाले से और कुछ सामान मेरा रहता था। अब यहाँ आए थे तो मैंने कहा चलें मौके से फ़ायदा उठाते हैं और शॉपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्लास्टिक के सारे कंटेनर्स रखे हुए थे, बड़े एकदम साइज़ के भी और छोटे साइज़ के भी, और यहाँ पर था बास्केट, बाउल, हर तरह के यहाँ पर बास्केट वाली प्लेट्स भी थी, ट्रेस थी। यहाँ पर मुझे ट्रे काफ़ी अच्छी लगी थी, लास्ट में एक ट्रे रखी हुई थी, लेकिन वो ट्रे की कीमत थी 2,000 रुपये एक बड़ी ट्रे की, तो वो मुझे ना परचेज़ करने में थोड़ा सा दिल दुख रहा था मेरा इसलिए मैंने नहीं लिया। और यहाँ पर से मैं स्पैचुला ढूंढ रही थी, जो कि मुझे नहीं मिला। सेट था पूरे 5 पीस का, वो 3,000 का मिल रहा था, मुझे ज़्यादा महंगा लग रहा था। मैंने कहा नहीं यार, छोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ स्पैचुला चाहिए था और बाकी सारी चीज़ें मेरे पास घर में अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने इसे नहीं लिया। उसके बाद यहाँ से पूरे मैं और हुरैरा मेरे साथ था, और हुज़ैफ़ा और ये मतलब मेरे हस्बैंड, हम दोनों एक साथ थे और वो दोनों एक साथ थे। ये ट्रे मुझे प्यारी लगी थी, मैंने आपको जैसे बताया, ये 2,000 की ट्रे थी, अच्छी थी, काफ़ी बड़ी मतलब ट्रे थी, लेकिन फिर भी मुझे महंगी लग रही थी। तो मैंने कहा नहीं यार, फालतू मैं क्यों पैसे में ज़ाया करूं अपने मियाँ जी के, जो मुझे वैसे भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं मैं वही उठाती हूं और मुझे वही पसंद भी आती हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें अगर कभी लेनी हो तो वो मैं अपने पैसों से ले लेती हूं, जो भी मुझे पॉकेट में नहीं मिलती है, लेकिन जब मियाँ जी के पैसे होते तो मैं थोड़ा सोच समझ के चलती हूँ। जाहिर सी बात है, अब घर चलाने वाली जो हो गई हूँ, पहले बहुत उड़ाए मैंने पैसे बहुत ज़्यादा। मुझे यही अफसोस आता है कि मैं अगर पहले से मेरा का किचन खुला हुआ होता, या मुझे ज़रा सा भी आइडिया होता कि मेरा आगे चल के किचन खुलेगा आज नहीं तो कल, तो मैं वो पैसे जमा करके रखती या अपनी कुछ कुछ चीज़ें जमा करके रखती, तो आज खैर मुझे मसला नहीं होता। उसके बाद हमने यहाँ से टिशू पेपर उठा लिए थे, क्योंकि अभी बकरीद आ रही है तो कि मुझे चाहिए, बहुत ज़रूरत होती है किचन टिशू पेपर के, और दूसरा ये कि और मतलब मेहमानों के लिए रखने सामने के लिए मुझे चाहिए थे। तो यहाँ से हमने ये सब उठा लिया था, और
शान के मसाले लिए थे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने लिए हैं। मैंने लिया है जार वगैरह, यहाँ से मैं ग्लास देख रही थी बच्चों के लिए, जो कि मुझे ये ज़्यादा अच्छे नहीं लगे थे, मैं दूसरे टाइप के चाह रही थी। ये बाउल मैंने ले लिया था यहाँ से, क्योंकि दानिश कहने लगे मैं ये बाउल जब उठा रही थी। तुम जब भी शॉपिंग पे आती हो तो तुम लाजमी बाउल लेती हो, लाजमी जार्स लेती हो कि खाने समेत खा जाती हो उन्हें जो वो नहीं बचते हैं। तो मैंने कहा यार ज़रूरत की चीज़ें होती हैं और जितने ही मतलब हो उतनी ही कम है ये, क्योंकि बकरीद आपको पता है तरह तरह के बाउल्स में ना सामान रखना होता है, कंटेनर्स में हमें जार में पैक करके रखना होता है, कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए, जिसकी वजह से मैं जब भी जाती हूँ तो मैं लाजमी लंच बॉक्स लेती हूँ, जार लेती हूँ और दूसरा ये बाउल और ना वो लेती हूँ स्टेनर। तो मुझे ये चार चीज़ें ना मतलब किचन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत की लगती हैं। यहाँ से मैंने कॉर्नफ्लावर उठा लिया था और कस्टर्ड पाउडर उठाया था, यहाँ पे सारे ऑयल स्पाइसेस लगे हुए थे, नमक वगैरह था मेरे घर पे, पूरा कार्टन आया हुआ है तो मैंने नहीं उठाया था यहाँ से। और ये फ्राइज मसाला मैंने यहाँ से उठा लिया था क्योंकि ये एक्स्ट्रा था, लेकिन फिर भी मैंने उठा लिया था क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने कहा यार नहीं यार ट्राई करते हैं, लेकर चलते हैं घर पे। और बस यहाँ से मैं शान के मसाले ले रही थी, दानिश भी देख देख के ले रहे थे। और यहाँ से हमने ले लिए था, इमली ढूंढ रही थी मैं, लेकिन इमली मुझे यहाँ पर नहीं मिल रही थी। मैंने यहाँ से चने का पैकेट एक ले लिया था, चने का पैकेट जैसे उसमें डालने के लिए, क्या कहते हैं, कोफ्ते वगैरह बनाने के लिए, तो बाउंड करने के लिए चने भी डालते हैं तो अच्छा होता है। और फ्राइड अनियन मिल रही थी, क्योंकि जो कि मुझे बकवास लगती है बिल्कुल, ये मुझे यकीन जाने ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ताज़ी चीज़ की बात ही अलग होती है, क्योंकि हमने भी खाया हुआ है ना वैसी, हम जो हमारी अम्माओं ने खिलाया है हमें, तो मुझे ताज़ी चीज़ ही अच्छी लगती है। फ्राइड अनियन वगैरह ये सब मुझे यहाँ पैक हुई भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, पता नहीं ये कैसे बनी है, किस तरह से इसे प्रिजर्व किया गया है, मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है। तो फिर मैंने इन मैडम से इमली का भी पूछा था, तो मुझे इमली यहाँ पर मिल गई थी तो मैंने ले ली थी, क्योंकि मुझे इमली की चटनी बनानी है और एक थोड़ी सी इमली है मेरे पास, वो थोड़ी सी मैंने यहाँ से ले ली थी। उसके बाद फिर मैंने ब्राउन शुगर यहाँ से ले ली थी, क्योंकि एक्स्ट्रा थी लेकिन फिर भी मुझे चाहिए थी, क्योंकि मैं अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके ना जमा कर रही हूँ बेकिंग के लिए। मैं जब भी ये जाते हैं तो मैं इनसे कभी वनीला एसेंस है, कभी ब्राउन शुगर है, कभी क्रश शुगर है, कभी मैदा है, कभी कोको पाउडर है, ये सारी चीज़ें मंगवा के रख रही हूँ, ताकि मैं फिर इंशाल्लाह कोई रेसिपी बना सकूँ, क्योंकि चीज़ें घर में अवेलेबल होती हैं ना तो आप आसानी से चीज़ें मतलब बना सकते हो। अब एक चीज़ बनाने के लिए मुझे इनको बार बार बोलना पड़ता है ना, तो फिर ये गुस्सा करते हैं, तो मैं इनके मूड के हिसाब से चलती हूँ, और चलना भी चाहिए अपने मियाँ जी के मूड के हिसाब से और जेब के हिसाब से भी, बिल्कुल हर एक औरत का ये फ़र्ज़ है। और यहाँ पर सबसे अच्छी ना टमाटर मुझे प्यारे लग रहे थे, लेकिन मुझे इन्होंने लेने नहीं दिए, क्योंकि ये कह रहे थे मैं वहाँ से ले आया हूँ और घर में बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो प्याज टमाटर ये सारी चीज़ें तो खैर आती रहती हैं और हर हफ्ते की हैं, और ये ज़रूरत का बहुत ज़्यादा सामान है जो कि डेली घर में होना भी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर से हम लोग ने क्या लिया था, केनेस का ले लिया था हमने 12 पीस के नगेट्स, और बच्चों के लिए बस ऐसे खाने के लिए ना, क्योंकि मुझे तो बाहर का नहीं पसंद, वैसे मैं बच्चों को अवॉइड करती हूँ कि बाहर का नहीं खाएं, मैं खुद ही घर पे बना लेती हूँ, तो इसकी वजह से मुझे मशीनें भी चाहिए, जो कि मैंने चॉपर वगैरह मैंने इनके पीछे काफ़ी दिनों से लगी हुई हूँ कि बच्चों को मैं बना कर दूँगी, मुझे मशीन चाहिए। तो खैर इन्होंने मुझसे वादा किया है, ये अनकरी मुझे मशीन ला के देंगे बकरीद से पहले, और ये वादा अपना जो करते हैं वो पूरा भी करते हैं, कि जो चीज़ मैंने मुँह से निकाल दी है बस वो चीज़ ये पूरी करेंगे, मुझे इतना पता है। तो दूसरी चीज़ ये कि मैं यहाँ से मैदा और बेसन ले रही थी, तो मैंने यहाँ से अपने जितने 2-2 किलो ज़्यादा नहीं चाहिए था, मुझे बेसन का इतना कोई काम नहीं होता, लेकिन फिर भी कढ़ी वगैरह अगर कभी बनाने का दिल हो तो घर में जैसे होना चाहिए, और पकौड़े वगैरह बनाने हो तो दिन में मतलब घर में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। मैदा ले लिया था मैंने 2 किलो, क्योंकि मैदा मैं अभी बहुत सारी चीज़ें बनाने लगी हूँ तो मैदा उसके लिए ज़रूरी है। पजामा ये मुझे बहुत अच्छा लगा था हुज़ैफ़ा का, तो मैंने एक ये ले लिया था यहाँ से, और यही वही सब मग वगैरह मिल रहे थे यहाँ पे, इतना कोई ख़ास नहीं थे बच्चों की चीज़ें, तो मैंने बच्चों का इतना ध्यान नहीं दिया। दूसरा ये कि हाँ यहाँ पर हम तकिए वगैरह देख रहे थे, क्योंकि हमारे तकिए जो हैं वो भी मतलब पुराने हो चुके हैं और उसे चेंज करना है, और उसकी वजह से हम दोनों के गर्दन वगैरह में काफ़ी दर्द रह रहा है, और मैंने इनसे कहा कि यार मुझे चेंज करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर देख रहे थे लेकिन इतने कोई ख़ास नहीं थे। तो मैंने इनसे ये कहा कि वहाँ से जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ की दुकानों से आप देख लीजिएगा, और वॉल क्लॉक वगैरह मैं देख रही थी जो कि मुझे लेनी है वॉल क्लॉक, लेकिन मुझे ये लेने नहीं दे रहे किसी भी हाल में, ये कोई भी टोपी ड्रामा कर रहे हैं कि वॉल क्लॉक मैं ना ले सकूं, क्योंकि मुझे टीवी लाउंज में लगानी है और ज़रूरत की चीज़ है यार। और ये एक मैट मैंने यहाँ से ले लिया था, ये बना हुआ है वुड पे, और ये मैंने ना अपने मतलब वीडियो के लिए लिया है कि मैं कुछ भी जैसे इस पे रख के
अपनी वीडियो शूट कर सकूँ। ये अच्छे से दबा दबा के मैट्रेस देख रहे थे यहाँ पे। मैंने कहा पता नहीं ऐसा सोना नहीं है, क्या करना है इन्होंने, क्योंकि इतना दबा दबा के देख रहे हैं। खैर इन्होंने फिर छोड़ दिया था। यहाँ पर आई थी बच्चों की शॉपिंग की बारी, क्योंकि बच्चों की काफ़ी अच्छा मतलब एक रेंज थी यहाँ पे टॉयस की, और बच्चों का बहुत मतलब एक होता है ना शौकीन पार्ट यहाँ पर शुरू हो गया था। बच्चे यहाँ पर खुश हो गए थे इतने सारे टॉयस देख कर। तो यहाँ पर कभी कुछ उठा रहे हैं, कभी कुछ उठा रहे हैं। खैर पापा ने इनके कुछ जलाया नहीं था, इन्होंने बस एक गाड़ी ले ली थी छोटी सी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रहे थे टॉयस। मतलब छोटी सी गाड़ी भी यहाँ पर जो हमारी तरफ 150 रुपये की मिलती है, 200 रुपये की मिलती है, वो वहाँ पर 600-700 ऐसी थी। यहाँ पर प्लेट्स वगैरह लगी हुई थी, बाउल्स थे, प्लेट्स थे, शीशे के भी थे, कुछ प्लास्टिक के भी थे जो कि मुझे नहीं चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे ये लगता है कि डबल ग्लेज में यहाँ पर बहुत कम आई हुई होती हैं चीज़ें। प्लास्टिक में भी एक होती है मतलब सिंगल ग्लेज और डबल ग्लेज, तो जो कि मैंने इनसे पहले जो प्लेट्स मंगवाई थी तो मैंने आपको दिखाई हुई हैं, वो मैंने मेट्रो से ही मंगवाई थी, वो मुझे इतनी कोई ख़ास नहीं लगी थी, तो मैंने इतनी कोशिश नहीं की कि यहाँ से मैं प्लास्टिक का सामान लूँ। और दूसरा ये कि इन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है प्लास्टिक का मेरे जो डिनर सेट है पूरा, तो वो अनकरीब आ जाएगा, तो मैंने इसलिए ज़्यादा मतलब इतना गौर नहीं किया यहाँ पर से मतलब बर्तनों वगैरह का। यहाँ से ये ब्रेड उठा ली थी, और यहाँ पर ये केकर्स थे, ये सब हमने ले लिया था। और बच्चों ने डेरी मिल्क की फरमाइश की थी, तो बाबा ने इनके डेरी मिल्क दिला दी थी। इनका रोज़ा था और हम रोज़े में ही घूम रहे थे इनके साथ, इन्हीं का था रोज़ा, और इसी के दौरान ये नमाज़ पढ़ने के लिए भी गए थे। और उसके बाद हम तकरीबन कितने बजे, 7:30 बजे हम यहाँ से चले गए थे। यहाँ से जब हम चले गए थे तो उसके बाद फिर हमने रस्ते में बिरयानी शिरयानी खाई थी, क्योंकि इनका रोज़ा था, तो इन्होंने रस्ते में जब अज़ान हो गई थी तो उस टाइम पे इन्होंने रोज़ा पानी से खोल लिया था, और उसके बाद हमने बिरयानी बैठ के खाई थी, क्योंकि बच्चों को भी भूख लगी थी और घूमते घूमते मुझे भी लग गई थी। तकरीबन 4 घंटे हम लोग घूमे हैं, और ज़्यादा सामान तो नहीं लिया, फिर भी इतना लिया सामान ज़्यादा ही लिया है, लेकिन ये है कि फिर भी हमने घूमा ज़्यादा है और स्लो स्लो घूम रहे थे। मैंने कहा इतनी जल्दी जाना नहीं है घर, और रोज़ा भारी खोलना है, तो क्यों नहीं हम थोड़ा आराम से ही घूमें। तो यहाँ से हम चले गए थे तकरीबन 7:15 बजे, और शॉपिंग हमारी हो गई थी यहाँ से डन। और जो थोड़ी बहुत शॉपिंग रहती है वो मैं वहाँ से अपने करीबी मतलब रिटेलर दुकान से कर लूँगी, और ज़्यादा नहीं। खैर 2-3 चीज़ें मैं भूल गई हूँ जो कि मुझे घर पे आके याद आया, और ऐसा होता है कि हम कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि हम यहाँ आएंगे और ग्रॉसरी की शॉपिंग कर लेंगे, वरना मैं लिस्ट बना के लेकर आती हूँ, हर महीने की मेरी लिस्ट होती है जो कि मैं तैयार करती हूँ। तो चलिए जी, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।